अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब लोग अच्छे से होंगे। जो लोग न्यू देख रहे हैं, मैंने वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और स्टार्ट में ही बता दूं कि आज की वीडियो मैं आपको सीरियसली कह सकती हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको इतनी अच्छी कॉलिन क्ले के साथ वीडियो नहीं मिलेगी। और मैं आज चाहती हूँ कि आज कहीं से भी वीडियो स्किप ना की जाए, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को इसके बेनिफिट्स तो बताने ही बताने हैं, साथ मैंने आप लोगों को इसका तरीका इस्तेमाल बताना है कि सर्दियों में गर्मियों में इसको कैसे मास्क को यूज़ किया जाता है, क्ले मास्क को। साथ साथ इसके साथ वाइटनिंग, पोर्स टाइटनिंग, एक्नी, और मैं कहती हूँ एक्नी होल्स तक कैसे ख़त्म किया जा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस रह चुका है एक्नी पे। आप लोग देख सकते हैं मेरा चैनल एक्नी बेस्ड है और मैं बगैर एक्सपीरियंस के कोई भी रिव्यू नहीं देती हूँ। और जब तक मैं एक स्किन टाइप पे नहीं, 4 से 5 स्किन टाइप पे ट्राई ना करवा लूँ एक प्रोडक्ट को, मैं रिव्यू नहीं देती हूँ। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाने के बाद और ख़ुद यूज़ करने के बाद, इस प्रोडक्ट की फ़ैन होने के बाद, आज मैंने डिटेल बताना है आप लोगों को। आज की वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है आप लोगों की स्किन के साथ। लिटरली आज की वीडियो कहीं से स्किप होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त चीज़ बतानी है। और ये मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी स्टार्ट में, लोगों की थोड़ी सी गलत फहमी है कि ये पाउडर शायद अब लॉन्च हुए हैं, कॉलिन क्ले हो गए, बेंटोनाइट क्ले हो गए। मैं सारी डिटेल बताऊँगी। ये पुराने पाउडर हैं, इसे कॉलिन मट्टी बोलते हैं, क्योंकि आज मैंने कॉलिन क्ले पे वीडियो बनानी है, आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा। तो मैं सीरियसली, ये पुराने ज़माने की औरतें, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गई, ये दूसरे बेंटोनाइट क्ले हो गया, ये कॉलिन क्ले, ये पहले ज़माने में औरतें यूज़ करती थी और इससे इतने फ़ायदे लेती थी कि उनकी स्किन पे, हम लोग कहते हैं ना मेकअप कैसे स्टे करता है, वो ये प्रोडक्ट्स यूज़ किया करती थी। अब के ज़माने में लोगों ने महंगे महंगे मास्क ले लिए, सीरम ले लिए, इन चीज़ों को दूर कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको ऐड रखा है, तभी मैं बहुत सारी प्रोडक्ट से दूर हूँ और मैं प्यार करती हूँ इस प्रोडक्ट से। और भी जो क्ले मास्क है मैं आज वीडियो में दिखाऊंगी, अफोर्डेबल, अपनी स्किन को कैसे ठीक करना आप लोगों ने इस मैजिकल प्रोडक्ट से। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग आके मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, अपनी स्किन टाइप दिखा सकते हैं। ऐसी ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो आप लोगों ने शेयर करनी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे वॉच टाइम चाहिए, ना कुछ चाहिए। मुझे है कि ये वीडियो शेयर हो, लोगों तक पहुँचे, लोग इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाएँ और अपनी स्किन को ठीक कर लें। तो काइंडली इस जो मेरा एक सवाब का काम है, उसमें आप लोगों ने अपना हिस्सा डालना, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और लोगों को भी अवेयरनेस मिले। तो जी, ये है ये कॉलिन क्ले, जिसको पुराना नाम और इसका उर्दू नाम कॉलिन मट्टी है। जो मुझे मुल्क से बाहर देख रहे हैं वो भी इसे ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, इंडिया से जो देख रहे हैं वो भी ले सकते हैं, अमेजोन से कहीं से भी ले सकते हैं। मैं तो इसी कंपनी के यूज़ करती हूँ, बायोफार्मेसी वालों के। मैं बताऊँगी मैं कहाँ से लेती हूँ और इसकी और भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी कॉलिन क्ले है और ये जी एक पाउडर है, और इसकी अगर मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ इन्होंने दिया हुआ था सिलिका जेल ताकि ये ख़राब ना हो। और इसकी अगर मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, तो ये हर घर में मौजूद हो ये वाला पाउडर। ये इस तरह सा होता है, मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, मैंने पहले भी इसकी डिब्बी ख़त्म की हुई है। ये वाइट सबसे पहला जो इसका काम है, सबसे पहला काम है, आज आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मास्क बनाना सिखाऊंगी कि एक्नी वाले, पोस्ट वाइटनिंग वाले क्या बनाएंगे, वाइटनिंग के लिए इससे कैसे मास्क बनेगा, सर्दी गर्मी में आप लोग किन प्रोडक्ट्स के साथ इसको यूज़ करेंगे, इतनी बेनिफिशियल वीडियो है ये। तो ये मैं आज आपको बताऊंगी कि सबसे पहला काम जो कॉलिन क्ले करता है जब अपने फेस पे आप लगाते हैं, कुछ बातें अभी तक यूट्यूब पे सही नहीं बताई गई इससे रिलेटेड, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि ये सबसे पहला काम जो ये इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है आपके फेस के ऊपर, बहुत नीट एंड क्लीन आपका फेस लगता है। सेकेंडली, ये पोर्स टाइटनिंग के लिए, आई एम जस्ट स्टार्ट लव दिस प्रोडक्ट, ये पोर्स टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को कह के थक गई इस प्रोडक्ट का ले के, लोगों ने ले भी लिया, तभी मैंने वीडियो बनाई है। थर्ड पे ये एक्नी कंट्रोल करता है, चौथे नंबर पे ये एक्नी होल्स को भी ख़त्म करता है, और कैसे करता है मैं सारी वीडियो बताऊंगी, स्किप नहीं करना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जी पहला जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि पहले आप लोगों ने इसका मास्क जो बनाना है, पहले आप लोग ये एम्प्टी बाउल ले लेंगे, और हम लेंगे साथ एक स्पून और थोड़ी सी लेंगे कॉलिन क्ले। अब मैं आप लोगों को मास्क बनाना सिखा रही हूँ, ये गर्मियों का, ऐसे गर्मियाँ चल रही हैं, और मैं सर्दियों का भी बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। ये मास्क है जी पोस्ट टाइटनिंग के लिए, एक्नी के लिए, थोड़ी सी ब्राइटनिंग के लिए। ये मास्क आप लोग डेली में, मतलब डेली नहीं, वीक में 3 टाइम यूज़ कर सकते, जो अब बनाऊंगी। इसके बाद जो बनाऊंगी वो वाइटनिंग का होगा, और उसके बाद हम सर्दियों का बताऊंगी कि सर्दियों में इसे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मैंने ज़िंदगी में इसको ऐड कर लिया है और मैं इसे करके रखूँगी। मैं आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ कर रही हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा मिथ जो क्रिएट किया जाता है कॉलिन क्ले को लेकर, मैंने यूट्यूब पर देखा, वो आटे की तरह बिल्कुल बना के जी लगाना ज़रूरी है तभी पोस्ट टाइटनिंग होंगे, नहीं। आज मैं एक्सपीरियंस करके आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को ज़रा से लेके दिखाती हूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। मैं कहूँगी फेस पे लगाएं कॉलिन क्ले, गर्दन पे लगाना है तो गर्दन का मैं अलग तरीका बताऊँगी, गर्दन पे थोड़ा मॉइस्चराइज करके लगाएं, ये फेस के लिए बहुत अच्छा। जिनकी गर्दन ड्राई है वो गर्दन पे मत लगाएं, गर्दन पे आप क्या चीज़ ऐड करके लगा सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ।
ये देखिए इतना सा मैंने कॉलिंट ले लिया, मैं आप लोगों के सामने ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखिए मैंने कितना थोड़ा कॉलिंट ले लिया है। अब इसमें सिंपली मैं क्या कर रही हूँ जी, गुलाब का अर्क ऐड कर रही हूँ। गुलाब का अर्क आप ऐसे बोतल ले लिया करें और स्प्रे बोतल में भी इसको भर लिया करें, स्प्रे कर लिया करें फेस के ऊपर और आप किसी तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने ये गुलाब का अर्क डाल रही हूँ और ये मेरी तकरीबन वीक में 3 टाइम यूज़ करने वाली रेमेडी है, मैं 3 दफ़ा लाजमी वीक में यूज़ करती हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने ये बना रही हूँ, जो मिथ क्रिएट है ना कि जी कॉलिंग क्ले को थोड़ा गाढ़ा बनाना चाहिए, कॉलिंग क्ले आटे की तरह बनेगा तो ही आपका जी फेस के ऊपर जी वो अच्छा काम करेगा। ये देखिए मैंने कितना पतला बनाया है, ये आप लोगों के सामने है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले मैंने इसलिए इसे बनाया कि मैं आप लोगों को उसका तजर्बा दिखा दूँ। अब इस तरह से आप लोगों ने इसे बना लेना है, अपने मुताबिक फेस पे लगाना है, थोड़ा सा पाउडर इतना ले लेना है। ये चम्मच बहुत बड़ा चम्मच है, मैं कहूँगी अगर आप लोग इतनी क्वांटिटी में भी ले लेते हैं ना, हाफ ही टीस्पून, तो ये फेस के लिए बहुत ज़्यादा है। कैसे, अब ये देखिए ये मैंने हाथ पे लगा लिया, अब आपको लग रहा है थोड़ा वाटरी सा है। अब ये सूखेगा आप लोगों के सामने तो आप लोग मुझे बताइएगा ये किस कदर वाइट हो जाएगा और आपके फेस को भी लाइक टाइटनिंग ज़्यादा फील नहीं होगी लेकिन आपके पोर्स को टाइट कर रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल सा मास्क है और ये आपको कितने बेनिफिट्स दे रहा है, मैं वीक में 3 टाइम यूज़ करती हूँ, मेरे पोर्स तो बिल्कुल ही इसने टाइट कर दिए हैं। ठीक है, पोर्स मेरे बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, एक्नी मेरी कंट्रोल रहती है और मैं जो वाइटनिंग इसने दी हुई है, वाइटनिंग का मैं किस्सा आपको बताऊँ तो मैंने अपनी कज़न को ट्राई करवाया था, उसकी स्किन बहुत डैमेज थी, साथ वो और भी केयर कर रही थी लेकिन उसको कलर के लिए मैंने कॉलिंग क्ले दिया, उसने 3 महीने कॉलिंग क्ले यूज़ किया, उसकी स्किन 2 to 3 टोन फेयरर हो गई है। और कैसे होगी वो मैं नेक्स्ट मास्क बताऊंगी, वो यूज़ करती थी 2 to 3 टोन उसकी स्किन फेयर हो गई है, वो भी फैन हो गई है इसको। ठीक है, अब इसको आपने ड्राई होने देना, ये 5 to 6 मिनट में काफ़ी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ये एक मिथ क्रिएट हुई है कि बहुत थिक पेस्ट बनेगा तो कॉलिंग क्ले काम करेगा, कितनी हल्की लेयर में भी कॉलिंग क्ले काम करता है और ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये मास्क होगा जी पोर्स टाइटनिंग के लिए, वीक में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, वाइटनिंग के लिए, एक्नी के लिए और एक्नी होल्स भी ख़त्म करेगा। मेरे लाइट से एक्नी होल्स रह गए थे जब मुझे एक्नी थी, तो 1 मंथ में मैंने इसे तकरीबन 20 दफ़ा यूज़ किया था तो मेरे एक्नी होल्स भी ख़त्म हो रहे थे। जिनके बहुत स्वेयर एक्नी होल्स होंगे उनको भी 2 से 3 महीने ले सकता है। ये होगी जी फर्स्ट रेमेडी। अब सेकेंड रेमेडी मैं आपको इसके साथ बताना चाहूँगी। अब जैसे सिंपली आपने क्या करना है, मैंने पहले ही बताया वाइटनिंग के लिए आप लोगों ने कॉलिंग क्ले लेनी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा आप लोगों ने वाइटनिंग के लिए क्या करना है जी, चावलों का आटा ले लेना। देखिए मेरा तो ख़त्म हो चुका है, हमेशा कहती हूँ चावलों को धो के सुखा के फिर खुद पीसा करें, बगैर धोए मत पीसा करें। ये चावलों का आटा आप लोगों ने जितना आप लोग कॉलिंग क्ले लेंगे, ये वाइटनिंग के लिए मास्क बता रही हूँ मैं, उतना ही आपने चावलों का आटा लेना है और उसमें ऐड करना है आप लोगों ने रॉ मिल्क। ठीक है, रॉ मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क है, कोकोनट मिल्क बाहर डब्बे पैकिंग में भी मिलता है, अगर आप वो लेना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें मिल्क सूट नहीं करता तो वो कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोकोनट मिल्क नहीं तो सिंपल रॉ मिल्क लेके आप लोगों ने 1 स्पून वो मिला के अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। क्या करना है, कॉलिंग क्ले, चावलों का आटा और साथ रॉ मिल्क, ये मिला के अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। जब ये पेस्ट बन जाएगा इसी तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, अपने फेस पे लगाना है और आप लोगों ने 10 टू 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, फिर आप लोग धोइएगा। ये भी आप वीक में 3 दफ़ा कर सकते हैं, ये वाइटनिंग के लिए भी है, ये पोस्ट वाइटनिंग के लिए भी है। ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जब किसी शादी ब्याह फंक्शन ईद है कुछ है, उस दिन सुबह अगर आप लोग ये मास्क अप्लाई कर लेते हैं तो मेकअप आपसे लोग पूछेंगे, अगर आप लोग मेकअप अप्लाई करेंगे तो फटेगा नहीं वो। मैं यही करती हूँ, इवन मैं कॉलिंग क्ले मैंने मंथ अप्लाई किया, उसके बाद मैं ठंडे इलाके में गई हूँ, वहाँ तो मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझसे लोग आके पूछ रहे थे यार इतना फ्लॉलेस मेकअप आपका कैसे हो रहा है इतने ठंडे इलाके में भी, क्योंकि इसमें मेरे पोर्स बंद किए हुए थे। तो ये इतना अच्छा है। ये होगी गर्मियों की टिप्स कि गर्मियों में आप लोगों ने वाइटनिंग के लिए ऐसे यूज़ करना है और सिंपल वीक में आप 3 दफ़ा ऐसे यूज़ कर सकते हैं, गुलाब का अर्क डाल के और कॉलिंग क्ले डाल के, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ये होगा जी 2 मास्क, मैं इन मास्क की बहुत फ़ैन हूँ और मैं कॉलिंग क्ले जो ये बायो फार्मेसी वालों का ही यूज़ करती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ दिखा भी देती हूँ कि देखिए मेरे पास कितने क्ले मास्क हैं। मेरे पास नीम पाउडर भी इसी कंपनी का है, ये कोई मेरी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बहुत पहले से इनकी कंपनी की यूज़ करती हूँ। तो ये बेंटोनाइट क्ले हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ये रोज़ पेटल हो गया, और ये देखिए आप ये मलट्ठी पाउडर। अब यहाँ से देख लेंगे मलट्ठी पाउडर, तो मैंने वीडियो जब मेरे न्यू चैनल बनाया था तब मैंने इसका बताया था, मैं काफ़ी देर से ये बायो फार्मेसी वालों की फ़ैन हूँ। क्यों फ़ैन हूँ, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है, इनका ये 180 रुपीज़ का मिल जाता है, और अगर आप इनके बंडल लेते हैं ना, ये 4 मैंने मंगवाए हुए हैं, इससे भी एक और मेरा शैनल पाउडर है जी बिल्कुल, ये देखिए मुल्तानी मिट्टी भी मैं इनकी ही यूज़ करती हूँ, ये 4 पाउडर मैंने मंगवाए थे, ये मुझे 500 रुपीज़ के पड़े थे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसी कंपनी का यूज़ करते हैं, मुझे इनकी पेड प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बहुत ऊपर लेवल के ये लोग बायोफार्मेसी वाले,
तो आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं मशवरा दूंगी कि आप इनके बंडल लिया करें, बेंटोनाइट क्ले भी ले लें, मुल्तानी मिट्टी भी ले लें, नीम पाउडर और कॉलिन क्ले, ये चार पाउडर आप लोग इनका बंडल बनवा के 500 में लाजमी मंगवाएं, क्योंकि मैंने इनके साथ आगे वीडियोस बतानी है। ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी था, ये ना हो कि आप कॉलिन क्ले आज मंगवा लें, डिलीवरी चार्जेस आपको पड़ जाएँ, उसके बाद मैं बेंटोनाइट क्ले का भी बताऊँ, नीम पाउडर का भी बताऊँ, तो अलग अलग आप लोग मंगवाएं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी लोगों को बोला कि चार पाउडर आपके पास होने चाहिए, तो ये भी एक हिस्सा हमारा हो गया साइड पे। ये मैंने भी थोड़ा सा आप लोगों को बताना था, आप लोगों के पैसे बचाने थे कि बार बार आप लोगों को डिलीवरी चार्जेस ना पड़े। तो आप लोग देख सकते हैं मैं सर्दियों के मास्क बताने लगी हूँ कॉलिन क्ले के साथ। ये देखिए ज़रा कितनी पतली लेयर मैंने लगाई है आप लोगों के सामने, देखें कितना अच्छा है। ज़रूरी नहीं होता कॉलिन क्ले को पूरा आप आटे की तरह थिक पेस्ट बनाते रहो तब ये सूखेगा। मैंने इसलिए पहले मास्क बना के दिखाया कि देखिए कितना थिक आपके फेस पे बन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम सर्दियों में इसके यूजेस के लिए। अब मैं आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा, कि आप लोग कहेंगे ये सर्दियाँ आने वाली हैं 2 महीने बाद तो हम इस कॉलिन क्ले को कैसे यूज़ करें, तो फेस को ड्राई कर देगी, तो नहीं। ये सिंपली आप लोगों ने, अगेन से मैं कहूँगी, आप लोगों ने एक बाउल लेना है, कॉलिन क्ले लेना है, सिंपली जैसे कॉलिन क्ले हम पहले ले रहे थे। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आप लोगों ने रोज़ वाटर लिया था ना, जैसे मैंने कहा भी आप रोज़ वाटर नहीं यूज़ करना आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हनी पे आ जाना है। ये हनी मैं पिसवा के रखती हूँ, इससे मैंने इसको पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत मीठा होता है तो कीड़े वगैरह ना आ जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने कॉलिन क्ले लेना है, कॉलिन क्ले लेने के बाद उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करना है, उसको मिक्स करना है और उसको लगा लेना है। सर्दियों में वीक में 3 टाइम आपने हनी के साथ इसको यूज़ करना है। हनी एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल है हमारे पास अल्लाह की तरफ से, जो चेहरे को मॉइस्चराइज भी करता है लेकिन हमारे स्किन को ऑयली नहीं करता और हमारे स्किन के सारे जर्म्स को मारता है। तो आप लोग सर्दियों में इसको इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं जो चीज़ें आपको बताने लगी हूँ वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ लोग कहते हैं हमें हनी सूट नहीं करता, तो उन लोगों ने क्या करना है, इसको ग्लिसरीन के साथ और विटामिन ई का कैप्सूल भी मिलते हैं और विटामिन ई के ऑयल भी मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को ये सर्दियों में क्ले मास्क यूज़ करने के तरीके बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर्दियों में कैसे यूज़ करें। तो ये ऑयल भी मिलता है विटामिन ई का और कैप्सूल भी मिलते हैं। तो सर्दियों में आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों को नहीं सूट करता हनी तो इसको स्किप, तो जी ये एक तरीका होगा, जिन लोगों को हनी सूट नहीं करता वो हनी स्किप कर सकते हैं, कॉलिन क्ले को ग्लिसरीन और एवियन का कैप्सूल डाल सकते हैं या विटामिन ई का ऑयल डाल के भी बना सकते हैं, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई हो जाती है सर्दियों में। इसके अलावा जो मैं आप लोगों को मास्क लगाने का तरीका बताने लगी, जो लोग कहते हैं ना मैं कॉलिन क्ले या क्ले मास्क, हमें बहुत कंफ्यूजन है कि हम गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में नहीं, तो डियर ये आप लोग सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। जो अब मैं बहुत बेनिफिशियल, आप लोग ये साथ में देख रहे हैं, मैं ये नहीं मिटा रही, क्यों नहीं मिटा रही, दिखाने के लिए कि मैंने कितनी पतली लेयर लगाई थी, ये ड्राई होने के बाद खुद ही ठीक हो जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब कॉलिन क्ले का सबसे बेनिफिशियल यूज़ गर्मी सर्दी दोनों के लिए मैं कह सकती हूँ, एलोवेरा जेल। इसी तरह ही 1/2 टीस्पून आप लोग कॉलिन क्ले लीजिए और एलोवेरा जेल डाल के आप लोग सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत बेनिफिशियल है एक्नी वालों के लिए, वो इसको 3 टाइम वीक में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स के साथ। अब कुछ लोग कहते हैं हमें जी सूट ही नहीं करता एलोवेरा जेल भी, तो आज मैं सारे सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप लोग इसके साथ कोकम्बर जेल ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, ये मिल जाते हैं आप लोगों को, ये भी दराज से मैंने लिए हैं। मैं इन कॉलिन क्ले का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप लोगों को बंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, कि बंडल आप लोग इधर से मंगवा सकते हैं। बंडल का 500 रुपीज़ का मिल जाता है, सिंपल कॉलिन क्ले चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को 180 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो आप लोग इसको, जिनको एलोवेरा जेल नहीं सूट करता वो कोकम्बर जेल ले लीजिए, कोकम्बर जेल डाल के भी सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी हमें दोनों चीज़ें सूट नहीं करती हैं, कुछ लोगों को दोनों चीज़ें सूट कर रही होती है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा रेड रहती है, वो कहते हैं हमारी स्किन सर्दियों में रेड रहती है, रैशेज हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है। तो आज मैं बहुत ज़बरदस्त एक तीसरी चीज़ बताने वाली हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों ने कॉलिन क्ले के साथ यूज़ करनी है सर्दी में भी और गर्मी में भी, वो क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, वो है जी टमाटो पेस्ट। ये भी 100 रुपीज़ का मिल जाता है दराज से, 100 रुपीज़ का, आप यकीन करें। जिन लोगों की स्किन बर्न रहती है, जलन होती है गर्मियों में भी सर्दियों में भी, रेड रहती है चीक से चिन से, वो कहते हैं हम क्या करें, हम कोई भी मास्क लगाएं हमारी स्किन और रेड हो जाती है, तो कॉलिन क्ले तो बहुत ज़बरदस्त है हर चीज़ को रोकने के लिए। लेकिन अगर आप इसको टमाटो जेल के अंदर, ये टमाटो सूदिंग जेल है, इसके अंदर डाल के कॉलिन क्ले वही 1/2 टीस्पून आप लोग ये लीजिए और यही 1/2 टीस्पून आप लोग टमाटो जेल का लीजिए, ओ माई गॉड, ये तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनकी गर्मी सर्दी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज और रेड रहती है, वो कॉलिन क्ले को इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिटेल रिव्यू था, जो लोग कह रहे थे कि हमें कॉलिन क्ले के साथ बताइए हमारी स्किन रेड भी रहती है, हमें एक्नी भी है, हम कैसे कैसे यूज़ करें, तो मैंने डिटेल बता दिया है कि आप लोग कॉलिन क्ले को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और मेरा हर रिव्यू डिटेल रिव्यू होता है। मैंने अपनी सिस्टर को ट्राई करवाया, 1 वीक वो आई हुई थी यहाँ पर, उन्होंने 1 वीक में 3 दफ़ा कॉलिन क्ले यूज़ किया, वो कहती है कि मुझे ये दे ही दो,
ये इतना बेनिफिशियल है, पुराने ज़माने के लोग ये यूज़ करते थे। मैं आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, मास्क के ऊपर लाना चाहती हूँ, जो महंगे महंगे सीरम्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें थोड़ा रोक दीजिए। वो रिजल्ट तभी देंगे जब स्किन अच्छी होगी। तो स्किन को अच्छा करने के लिए क्ले मास्क आप लोगों को मैं सारे बताऊंगी। पहला कॉलिन क्ले बताया है, इसका रिजल्ट भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इस तरह का ड्राई हो जाएगा, और उसको धोने के बाद आप लोग मुझे रिजल्ट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे ही ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और पूरा स्किन टाइप की डिटेल के साथ, कौन सी स्किन टाइप के साथ क्या सूट करता है, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आके आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी स्किन टाइप दिखा सकते हैं। इस वीडियो को मस्त शेयर कीजिएगा ताकि लोग इन क्ले मास्क के ऊपर आ जाए और महंगी महंगी चीज़ों को थोड़ा सा स्किप कर दे अपनी लाइफ से। तो नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।